वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं अपने कुछ शेयर के बारे में। जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया, इस शेयर का नाम है ITC। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है तो सबसे बढ़िया शेयर है, पर आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। पर डिविडेंड भी आप देखो बहुत अच्छा खासा पे करता है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इस शेयर को सबसे सही टाइम है बाय करने का, 205 रुपये के आसपास आप इसे बाय करो। अगर 200 रुपये के आसपास कभी मिले तब तो बहुत बढ़िया है, पर 205 रुपये के आसपास एवरेज आपको मिल जाता है, वो सबसे सही टाइम है इसे बाई करने का। और आप देखो 265 इसका पीक है लास्ट के 52 वीक के अंदर, और रिसेंटली ये अभी शेयर गया था 265 तक, पर वहाँ सस्टेन नहीं हो पाया। और 262 इसका पीक है जो जिस प्राइस पे इसने अपनी डे की क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं इसके लेवल के ऊपर। जैसा कि यहाँ पर इसका करंट प्राइस है 236 रुपये। अब इस प्राइस के ऊपर अगर अभी कोई ट्रेड करना चाहता है इसे, अगर किसी ने शेयर अभी बाय कर रखा है, तो 235 रुपये का पूरे चांस है कि 235 रुपये से ये रिकवरी करे। पर अगर 235 रुपये को ब्रेक करता है तो 230 रुपये का स्ट्रॉन्ग SL, अगर इसने 230 रुपये को ब्रेक करा उस कंडीशन में ये शेयर आराम से 220 के आसपास आके सपोर्ट लेगा। तो अगर किसी ने शेयर बाय कर रखा है तो 230 रुपये के SL के साथ इसे ट्रेड करें। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर किसी ने इसे बाय कर रखा है 230 रुपये के SL के साथ इसे बाय ट्रेड कर सकता है, और पूरे चांस है 235 रुपये से रिकवरी कर सकता है। अगर बाई चांस रिकवरी नहीं हुई और 230 को इसने ब्रेक कर दिया, उसी कंडीशन में कोई इसमें बड़ी गिरावट आ सकती है। और जैसे मैंने आपको बोला हुआ है, इस शेयर को सबसे सही टाइम है बाय करने का, 200 रुपये के या 205-206 रुपये के आसपास कभी मिले तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करो, नो इशू, आपको बिल्कुल भी घाटा नहीं देगा ये। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है ONGC। इसका जो करंट प्राइस है 156 रुपये इसका प्राइस है। आपको याद होगा जब मैं स्टार्टिंग में इसकी वीडियो इस पे वीडियो बनाता था, उस समय शेयर का प्राइस 105-110 रुपये के आसपास होता था। तब मैं इसे कहता था, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो सबसे सिक्योर शेयर है, आप इसको बाय करो, एक अच्छा खासा 5-10% का प्रॉफिट निकालो, आराम से बेचो, पर आपकी बाइंग सही होनी चाहिए। तो अभी टाइम में जो इसका प्राइस है 156 रुपये। अब बात करते हैं इसका SL, इसका अगला टारगेट क्या होगा। जैसा कि अभी का प्राइस है 156 रुपये, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है अभी के टाइम में तो बिल्कुल मत करें, बिल्कुल सही टाइम नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट का। सबसे बढ़िया टाइम है इसको इन्वेस्टमेंट करने का 115-120 के आसपास, अगर ये शेयर आपको मिलेगा तभी आपने इन्वेस्ट करना है। अभी के लिए कट के टाइम जो इसका प्राइस है 157 रुपये, तो अभी के टाइम में जो हमें ट्रेड करना है इसे 147 रुपये के SL के साथ इसे ट्रेड करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमारे न्यू बायर है, अगर कोई इसे बाय करना चाहता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए, तब अभी बिल्कुल ना करें। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 147 रुपीज़ के SL के साथ इसे ट्रेड कर सकते हो, और सही टाइम है। अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो 115-120 रुपये के आसपास अगर आपको ये शेयर मिलता है तो उस कंडीशन में इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे सही टाइम है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इसका नाम है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया का ऐसा कोई ऐसा शेयर जो अच्छा खासा डिविडेंड पे करता है, तो इसमें आप नो डाउट कोल इंडिया बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है। और लास्ट टाइम जो उसकी 22 अक्टूबर को जो इसने डे की क्लोजिंग दी है, वो 3.65% डे लो पे अपनी क्लोजिंग दी है, और इसका करंट प्राइस है 175 रुपये। अब एक बार लेवल देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों से मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और ऑलमोस्ट मैक्सिमम शेयरों में अच्छी खासी गिरावट हो रही है। तो अभी के लिए जो इसका प्राइस है 175 रुपये का प्राइस है, तो जो न्यू बायर है उनको मैं बाय करने से मना करूंगा। अगर फिर भी कोई बाय करना चाहता है या जिन्होंने शेयर ले रखा है, तो 117 रुपीज़ के SL के साथ इसे ट्रेड करो, 170 रुपये के SL के साथ इसे ट्रेड करो। अभी के लिए यही इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये बाई चांस इसने ब्रेक कर दिया ना, तो अगला सपोर्ट इसका 160 रुपये के आसपास आएगा। तो आप ये बात देख लेना, पर पूरे चांस है यहाँ से रिकवरी कर सकता है। पर एक स्ट्रॉन्ग SL की बात करते हैं तो 170 रुपये का इसका एक स्ट्रॉन्ग SL है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज।